बात करते हैं मटियारी से, जहां जिला इंतजामिया ने मटियारी जिले में पानी के कुदरती रस्तों से तजावजात हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला करते हुए रेवेन्यू, इरीगेशन, लोकल बॉडीज, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और स्कार्प से सरकारी अमलाक और पानी के कुदरती रस्तों पर कब्जे और तजावजात के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत और सिंध हुकूमत के अहकाम पर बिला तफरीक अमल करने और किसी किस्म के दबाव या रुकावट को बर्दाश्त न करने का फैसला डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद जवाहर जफर की जेर क्यादत डीसी सेक्रेटेरिएट में मुतलिका हुकाम के अफसरान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा आबपाशी के अफसरान ने ब्रीफिंग में बताया कि इस वक्त कहीं भी कोई कब्जा नहीं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद जवाहर जफर ने तीनों तालुकों के असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत की कि वो महकमा आबपाशी समेत मुतलिका अदारों के अफसरान के हमराह पूरे जिले का मुश्तरका दौरा करें और तफसीली रिपोर्ट पेश करें। डिप्टी कमिश्नर मटियारी से यह जवाब जफर ने तमाम मुकाम पर वाजिया किया कि सिंध हुकूमत और अदालत ने भी गैर कानूनी तजावजात को हटाने के लिए कार्रवाई की हदायत की है, जिस पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा ताकि निकासी आब के कुदरती रस्ते को बहाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि साल 2022 को मानसून की बारिशों के दौरान पानी के कुदरती रस्तों पर नाजायज तजावजात और तामीरात की वजह से संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस बार पहले से इंतजाम किया जाए ताकि आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना ना हो।